हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक से होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चनक दाल हम ओवरनाइट भिगोए हुए थे, तो आप सभी चाहो तो 4-5 घंटा भिगो देंगे तो अच्छे से गल जाएगा। ये हमारा दाल अच्छे से गल गया है। अब हम मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। दिए हैं तो इसमें हम छोड़ दे रहे हैं काली मिर्च। धनिया की पत्ती, 4 कलियां लहसुन, फिर 2 हरा मिर्चा, 2 टुकड़ा छोटा छोटा अदरक। बीज निकाल के हम थोड़ा सा इसे नींबू निचोड़ दे रहे हैं। बीज को निकाल लेते हैं, नहीं ख़राब लगेगा, कड़वा लगता है। नमक हम इसको पीस लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है तो हम इसी में छोड़ दे रहे हैं अजवाइन क्रश करके। आलू छिलके काट के हमने धुल लिए हैं, पीसने जा रहे हैं। अब इसमें पिसे हुए आलू को छोड़ देते हैं, उबाल लेंगे। लगा ये पक गया, देखिए कितना अच्छा। अब इसी में हम छोड़ देते हैं चावल के आटे को। हम छोड़ देते हैं चावल के आटे को, इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे, चलाते हुए अच्छे से डो बनाएंगे। ये रख देते हैं, अब इधर पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। पत्ती काट के हाथों में लगा लिए हैं तेल। इस तरह हम बैटर को फैला लेंगे। हो गया है, अब हम चलो इसको निकाल लेंगे, पक गया है। ये नाश्ता 1 चम्मच तेल से बना हुआ है, आप सभी को पसंद आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेस्टी खानी है तो फ्राई करके खाया जाए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।